ज्यादातर लोगों को मैंने ये वाली बियर लेते हुए देखा है जो कि है 45 की। तो यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 20 दिसंबर 2019 और अभी मैं हूँ पत्तेयाक थाईलैंड में। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने अपना कैप्सूल हॉस्टल दिखाया था जो कि एक 5-स्टार होटल जैसा था, सिर्फ 700 रुपये पर नाइट। तो वीडियो नहीं देखी तो भैया क्या कर रहे हो, देख लो ना, उसमें अच्छे से टूर दे रखा है मैंने। तो वहाँ से मैंने चेकआउट कर लिया क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं जाने वाला हूँ पत्तेयाक से बैंकॉक। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप पत्तेयाक से बैंकॉक कैसे जा सकते हो सबसे कम पैसों में, और दूसरी चीज़ बैंकॉक या फिर थाईलैंड कितना सस्ता है इंडियंस के लिए, मतलब क्या खर्चा होता है यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट का क्या खर्चा है, खाने का क्या खर्चा है, बियर वियर का भी प्राइस बता दूंगा, मैं पीता नहीं हूँ लेकिन बता दूंगा। और करेंसी की बात करूँ तो थाईलैंड में चलता है थाई भात, इंडिया से आप डॉलर्स कैरी करना आपको सही रेट पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने $100 चेंज करवाए और मुझे उसके बदले मिले है 3000 थाई भात। अराउंड अगर आप इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करो तो एक थाई भात में पड़ते हैं इंडिया के 2.40 रुपये। तो ये यहाँ की करेंसी है। सजेशन यही है कि इंडिया से डॉलर्स कैरी करो, इंडिया से थाई भात लोगे तो महंगा ज़्यादा नहीं पड़ता है, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, थोड़े बहुत कैरी कर लेना, वैसे डॉलर्स ही कैरी करना। और थाईलैंड में इंटरनली ट्रैवल करने के लिए आपके पास 4 तरीके हैं, एक्चुअली 5 है, बसेज भी है लेकिन बसेज के बारे में नहीं बताता। सबसे पहले तो हर कंट्री में जो होता है वो है वहाँ की लोकल टैक्सीज। टैक्सी वाले टूरिस्ट को देखते ही भाई साहब इतना ज़्यादा चार्ज करते हैं, वो मीटर के थ्रू कभी नहीं चलेंगे आपके साथ, आपको वो मुंह बोले ऐसे प्राइस बताएंगे। तो मेरे हिसाब से आप टैक्सी अवॉइड करना। दूसरा ऑप्शन है इस तरह के टुकटुक, तो ये जो है शेयरिंग टैक्सी कहलाती है, टुकटुक भी कहते हैं इसे। तो ये सस्ती होती है लेकिन ट्रैफिक में फंस जाते हो आप, और दूसरी चीज़ कभी कभी ये लूट भी लेते हैं आपको ज़्यादा पैसों से। तो कुछ कुछ ऑप्शंस में ये अच्छा रहता है, तो मेरे हिसाब से करना चाहो तो टैक्सी से अच्छा ये कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है ग्रैब टैक्सी ऐप, तो जैसे कि नॉर्मल टैक्सीज होती है अपने इंडिया में, ऊबर या ओला चलती है, उसी तरह से यहाँ पे एक एप्लीकेशन चलती है जिसका नाम है ग्रैब। तो वहाँ से आप स्कूटर और टैक्सी दोनों बुक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको जेन्युइन प्राइस मिलेंगे क्योंकि कोई भी लूटेगा नहीं ऑब्वियसली, जो सेट है ऊबर ओला की तरह वैसे ही आपको प्राइजेस मिलते रहेंगे। तो ये मेरे हिसाब से टैक्सी का एक अल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है, एक्चुअली ऑल्टरनेटिव भी नहीं, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है यही। और चौथा तरीका है ये बाइक टैक्सी, और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट भी यही है, सस्ता का सस्ता और ट्रैफिक से भी मस्त निकल जाता है। तो यहाँ से मैं सबसे पहले जा रहा हूँ पटाया के बस टर्मिनल पे जो कि के लग रहे हैं 80 बाद। तो वहाँ जाके बस का बताता हूँ कैसे सिस्टम है पूरा। यार सबसे बेस्ट ना यही है, सस्ता का सस्ता पड़ जाता है, ऊपर से ट्रैफिक में नहीं फंसता है। 80 बाद का मतलब हो गया 170-180 रुपये के आसपास। तो बस टर्मिनल यहाँ से 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर के 180 रुपये लग रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बाहर के हिसाब से महंगा है, मतलब इंडिया के हिसाब से महंगा है लेकिन बाहर के हिसाब से तो ठीक है ना। तो उस बाइक टैक्सी ने मुझे यहाँ पे बस टर्मिनल पे उतार दिया है, तो अंदर जाके टिकट लेता हूँ, बताता हूँ कौन सा ऑप्शन बेस्ट है आपके लिए। तो यहाँ बस टर्मिनल से बैंकॉक तक की 2 बसें जाती है, एक जाती है इकामाई बस टर्मिनल तक और दूसरी जाती है मोचित बस टर्मिनल तक। तो अगर आप बैंकॉक में सुखमवीत एरिया में रुक रहे हो तो मतलब आप हॉस्टल देख लेना, अपना हॉस्टल होटल जो भी है, तो अगर वो सुखमवीत एरिया में तो यहाँ से आप इकामाई की बस लेना क्योंकि वो ज़्यादा पास पड़ेगा। और अगर आप खाउसन रोड रुक रहे हो मेरी तरह तो आप लेना मोचित तक की बस। तो मेरा हॉस्टल खाउसन रोड पर, इसलिए मैंने भी जो है वो मोचित तक की बस ले ली है 128 बाद की। सुखमवीत वाली जो बस है इकामाई वाली बस, वो थोड़ी सस्ती है, वो शायद से 110 बाद की थी, बट मेरी महंगी पड़ी है 128 बाद, लेकिन वहाँ से मेरे को टैक्सी में कम पड़ेगा तो बात वही है, वो मैं आगे बता दूंगा। 128 बाद का मतलब है 250 रुपये के आसपास, 260 के आसपास। और हाँ, बसेस जो है वो यहाँ से बैंकॉक के दोनों टर्मिनल तक की हर 30-40 मिनट में चलती रहती है, लेकिन भाई साहब लाइन बहुत लंबी लगती है यहाँ टिकट्स के लिए, तो थोड़ा जल्दी आ जाना क्योंकि आपको हो सकता है सीट ना मिले अगली बस में, तो उससे अगली बस में सीट मिलेगी तो टाइम लग सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना अपना। तो बस में बैठ चुका हूँ, टाइम हो रहा है अभी 1:15 दोपहर के, बस चलेगी 1:30 में, अराउंड 2-2.5 घंटे लेगी यहाँ से बैंकॉक तक की। बस काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी स्पेस है बस में, अच्छा खासा मिनी टॉयलेट्स है, एसी है, मस्त ठंडी हुई बढ़िया। तो चलते भैया, बोर होने वाला हूँ 2 घंटे, लेकिन सो जाऊँगा थोड़ी देर। तो
भाई पहुंच गया हूं मैं बैंकॉक के बस टर्मिनल पे, और भाई साहब इतना ट्रैफिक था ना खतरनाक रास्ते में। 2 घंटे की ड्राइव थी वैसे तो, पर लग गए 3 घंटे। अभी हो रहे हैं 4:30, 1:30 पे चली थी, 4:20 हो रहे हैं अभी। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ टैक्सी, नो, तो यहाँ से मेरा हॉस्टल दिखा रहा है अराउंड 13 किलोमीटर का। तो यहाँ पे बाइक टैक्सी भी है काफ़ी सारी, इसके अलावा यहाँ पर दूसरी टैक्सी भी है, लेकिन बाइक टैक्सी वाला मांग रहा है 200 बाद, और वो मांग रहा है टैक्सी वाला 400 बाद। जबकि ग्रैब की ऐप जो मैंने आपको बताई थी, जैसे ऊबर चलती है अपने इंडिया में वैसी ग्रैब चलती हैं, तो ग्रैब की टैक्सी में आ रहा है यहाँ पर 150 से 180 बाद। तो 200 बाद भी अगर टैक्सी में लग रहा है तो ठीक है, तो मैं यही बुक कर देता हूँ फटाफट से। तो भैया मोटर बाइक टैक्सी ले ली है, ग्रैब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बोल तो रहे थे ये 200 बाद, लेकिन 150 बाद में मान गए हैं, तो चलते हैं यार, 50 बाद बच रहे हैं और क्या चाहिए। देख लो, टैक्सी मैंने इसलिए चूज़ नहीं करी क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है बैंकॉक में, तो स्कूटर जो है वो तो पतली पतली गलियों में से कहीं से भी निकल जाता है, तो ट्रैफिक का टेंशन ही नहीं है इतना। ओके, थैंक यू। लो भैया पहुंचा दिया है खाउसन रोड, अपना हॉस्टल ढूंढता हूं और फिर लेता हूं, मतलब चेक इन करता हूं, दिखाता हूं वहां पर क्या सीन है। ये है पूरी खाउसन रोड, भाई साहब यहां पे मैंने बताया था ना, लोग कीड़े मकोड़े के चूहे मगरमच्छ सब खा जाते हैं। तो यहाँ की मार्केट का सीन मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा आपको, पहले मैं मोबाइल वगैरह चार्ज करूँ वहाँ हॉस्टल में जाके, क्योंकि बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं है मेरे फ़ोन में ना कैमरा में। ये है मेरा हॉस्टल जिसका नाम है मिस्ट्री वर्ल्ड। पर नाइट मैं इसके दे रहा हूँ अराउंड 520 रुपये या 530 रुपये लगा लो, मतलब 2 नाइट के लिए मैंने यहाँ पे स्टे लिया है, और मुझे पड़ा है ये 505 बाद का, यानी 1100 रुपये का। ये हॉस्टल का रिसेप्शन और कॉमन एरिया है, काफ़ी अच्छा है, देख सकते हो काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही है एक्चुअली। और ये सीढ़ियाँ जाती है ऊपर, लेकिन उससे पहले ये नीचे जो देख सकते हो आप, यहाँ पे है बाथरूम, तो बाथरूम नहीं दिखाता मैं, फिर आप कमेंट करोगे कि क्यों दिखाते हो बाथरूम। ऊपर चलते हैं, रूम दिखाता हूँ आपको, मतलब डोमेट्री दिखाता हूँ कैसी है। तो देख सकते हो इस तरह का यहाँ पे कार्ड मिलता है, तो यहाँ पे कार्ड टैप भी कर सकते हो आप, या फिर पासवर्ड भी लगा सकते हो। मेरे केस में यहाँ का पासवर्ड है 5×4 and *। और अंदर एंट्री करके आप देख सकते हो काफ़ी सारे बंक बेड लगे हुए एक के ऊपर एक, तो टोटल शायद से 8 बेड है इस रूम में। AC काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ठंडा कर रखा है रूम पूरा का पूरा, और ऐसे कर्टेंस लगे हुए हर बेड पे, तो आपकी प्राइवेसी जो है वो मतलब मेंटेन रहती है। और बेड कुछ इस तरह का है, गद्दे काफ़ी सही है, ऊपर से ब्लैंकेट भी दिया हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है जिसका ये स्विच है, और साइड में एक सॉकेट भी है जहाँ से आप अपना चार्जिंग वार्जिंग कर सकते हो डिवाइसेस की। और एक ही लॉकर है यहाँ पर, छोटा सा लॉकर है, लेकिन इसमें आप अपना पासपोर्ट या फिर कैमरा वैमरा रख सकते हो, लैपटॉप तो नहीं आएगा, कैमरा वगैरह आ जाएगा, तो इसको लॉक लगा के आप जा सकते हो। यार ये है मेरे हॉस्टल का एक छोटा सा टूर, मतलब कि इतना सही हॉस्टल है, 250 बाद दे रहा हूँ मैं पर नाइट इसमें, यानी कि अराउंड 550 रुपये पर नाइट। और फ्री ब्रेकफास्ट है, जो मैं कल सुबह आपको बताऊंगा कैसा ब्रेकफास्ट है, अभी तो मैंने ऑब्वियसली आया हूँ तो मुझे भी नहीं पता। तो हॉस्टल का तो टूर दे दिया, अब आपके थोड़ी सी भले की भी बात कर लेता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है वेबसाइट और एक ऐप का, तो वो ऐप में मतलब मैं उसके बारे में बता देता हूँ, तो मैं वहाँ से ही सारी फ्लाइट बुकिंग या फिर होटल बुकिंग या फिर शॉपिंग करता हूँ, क्योंकि उस वेबसाइट के थ्रू मुझे काफ़ी अच्छा खासा कैशबैक मिल जाता है। नॉर्मल आप booking.com से करवाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उनके थ्रू booking.com से करवाओगे तो आप कैशबैक कह सकते हो। और भाई होटल बुकिंग और फ्लाइट्स ही नहीं, यहाँ से आप अपने कपड़े वपड़े भी खरीद सकते हो अमेजोन फ्लिपकार्ट के थ्रू, उसमें भी आपको कैशबैक मिलेगा, तो आपका ही फायदा हो रहा है। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई कैश करो की लिंक पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप booking.com के ऑफर पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि
सारी होटल बुकिंग पे कैश करो आपको स्लैट डिस्काउंट दे रहा है या फिर कैशबैक दे रहा है। और यही नहीं, इस कैशबैक को आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो इस कैशबैक को लेने के लिए स्क्रीन के बीच में दिए गए ऑरेंज बटन पे क्लिक करो। अब क्योंकि आप कैश करो पे नए हो तो आपके नीले कलर का जो साइन अप का बटन है उस पर क्लिक करके साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करना बहुत आसान है, बेसिक डिटेल्स भरनी है और आपका साइन अप प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। साइन अप करने के बाद आप देखोगे कि कैशबैक एक्टिवेटेड लिखा आ रहा है, तो बस अब आपका काम हो चुका है। अब आपको विजिट रिटेलर वाले ऑरेंज बटन पे क्लिक करो और आप booking.com की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे और वहां पे अपना नॉर्मली जो भी booking.com से करवाना चाहते हो, जैसे ये करवाना चाहते हो हॉस्टल, तो बुक कर लो, आपको कैशबैक मिलेगा उसका। और जैसे ही आप बुकिंग कर लोगे उसके कुछ घंटे बाद आप अपने अर्निंग सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको कैशबैक रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और जैसे ही ये कैशबैक जो है कंफर्म हो जाएगा आप इसको विड्रॉ कर लो अपने बैंक अकाउंट में। तो सिंपल सा प्रोसेस है, आप काफी सारे इसमें पैसे बचा सकते हो होटल बुकिंग्स में। तो मैंने सोचा यार चलो बता दिया जाए, आपका भी कुछ फायदा हो जाएगा। यार काफी बढ़िया हॉस्टल है, 600 रुपए पर नाइट के हिसाब से, स्टाफ काफी फ्रेंडली है, मतलब कि लोकेशन तो एक नंबर की है, खाउसन रोड पे सीधा। तो यहीं पे हॉस्टल के सामने 100 मीटर पे मैकडोनल्ड्स दिखा रहा है, तो कुछ खाए आते हैं। मैंने सोचा आपको ही मैकडोनल्ड्स के प्राइस बता दूंगा कि बर्गर वर्गर वेज वगैरह मिलता है नहीं मिलता। Angus beef burger and leaf filling and beef sabico. No beef, chicken. Chicken. I have a solid. I have a burger and naked. Okay, so McChicken with this meal. Yeah. With Coke and French fries. Okay. How much? 175. 175. Okay. Would you like cola? Yeah, cola. Please, no, have it. So, why McDonald's में तो यहाँ पे कोई भी veg meal नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे मील ही नहीं है ज़्यादातर, तो सारे बीफ चिकन फिश बर्गर्स ही है। तो यहाँ पे मैंने एक मैक चिकन लिया, इसके अलावा एक ये कोक लिया है, साइज़ देख लो कितना बड़ा, और एक लार्ज फ्रेंच फ्राइज लिया। तो ये मेरे को पड़े टोटल 175 बात के, यानी कि इंडियन करेंसी में अराउंड 350-380 रुपए के आसपास। थोड़ा सा महंगा है, लेकिन बस एक ही चीज़ मैं आपको देखना चाहता हूँ कि यहाँ का जो टेस्ट है उसमें स्मेल ना हो, क्योंकि थाई फूड में हर जगह मुझे स्मेल आती है और मुझे खाया नहीं जाता। तो अगर यहाँ वाले बर्गर में भी वैसी स्मेल हुई तो मेरे से खाया नहीं जाएगा। तो टेस्ट करता हूँ बस, फिंगर्स क्रॉस, काश ये ना निकले, मतलब स्मेल ना निकले इसमें। नहीं है भाई, स्मेल नहीं है, मज़े आ गए। मतलब जैसे इंडिया में बर्गर मिलता है ना सेम वही है, पर कोक का तो खैर क्या ही टेस्ट चेंज होगा। प्राइस चेक करता हूँ, सेम है भाई बिल्कुल। मतलब मैंने इंडोनेशिया में भी मैकडोनल्ड्स में खाया था, सेम था टेस्ट इंडिया जैसे ही। तो मैकडोनल्ड्स मेरे को लगता है ऑल ओवर द वर्ल्ड पिज़्ज़ा और मैकडोनल्ड्स का टेस्ट सेम ही रहता है। तो सही है, ये सस्ते में ही जुगाड़ हो जाएगा आपका, मतलब एक टाइम के मील के 300-350 रुपये में आप खा सकते हो पेट भर के आराम से। यार अभी रात के 9:15 हो रहे हैं और पिछले 3-4 घंटे से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। एक्चुअली थोड़ा सा मूड ख़राब हो रहा था, मैं इंस्टाग्राम देख रहा हूँ, यूट्यूब देख रहा हूँ, तो हर जगह काफ़ी सारी स्टोरीज देखने को मिल रही है कि अपनी कंट्री में क्या चल रहा है। ये वीडियो आप तो खैर जनवरी फरवरी में देख रहे होंगे, लेकिन इस वक्त जब मैं दिसंबर में ये शूट कर रहा हूँ तो काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, काफ़ी वीडियोज़ देख रहा हूँ मैं, तो उसी की वजह से थोड़ा सा मूड ख़राब सा हो गया, इसलिए कुछ भी शूट नहीं किया। और अभी भी मैं आधे पौने घंटे से इसी जगह पर बैठा हुआ हूँ, सामने बैंकॉक का ट्रैफिक चल रहा है और मैं यहाँ पर बैठ के ट्रैफिक को देख रहा हूँ बस। और अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये एक आम का गिलास लिया था, मतलब इसमें आम के स्लाइसिस थे, तो ये मुझे पड़ा था 40 भात, यानी कि अराउंड 90 रुपये का। तो थाईलैंड में फ्रूट्स भी काफ़ी बिकते हैं, मतलब हेल्दी भी है, सस्ते भी है, तो पेट वेट भी भर जाता है ढंग से। तो ये भी आप ले सकते हो, ऑप्शंस होते हैं पाइनएप्पल, सेब और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं। तो मैंने अभी थोड़ा सा खा लिया बैठ के, मतलब बोर हो रहा था, और अभी आपको थोड़ी देर में लेकर चलता हूँ यहाँ के कोई लोकल स्टोर में, जैसे 7-Eleven या फैमिली मार्ट, और वहाँ पे दिखाता हूँ यहाँ पे कितनी महंगाई है इंडियंस के हिसाब से, यानी कि बियर वियर की क्या प्राइस है। देखो भाई, मुझे ना यहाँ के ब्रांड व्रांड किसी भी कंट्री का नहीं पता, क्योंकि ना मैं पीता हूँ ना मुझे पता है। तो मैं आपको बस दिखा दूंगा, वहाँ आप रेट देखते रहना, जो भी ब्रांड आपको बताओ आप उसका समझ लेना। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि बैंकॉक में आप दो जगह मेनली रुक सकते हो, एक एरिया है सुखुमवीत, दूसरा है खाउसन रोड। तो अगर आप एक ट्रैवलर हो मेरी तरह, सोलो आए हो, तो आप खाउसन रोड मतलब रुको,
क्योंकि यहाँ पे जो है वो काफ़ी सस्ते हॉस्टल्स एंड होटल्स हैं, और इसके अलावा यहाँ पे सारे आपको फॉरेनर्स ही मिलेंगे चारों तरफ, मतलब ट्रैवलर्स ही ट्रैवलर्स हैं यहाँ पर। और अगर आप आ रहे हो फैमिली के साथ या फिर एक हनीमून कपल हो तो ऑब्वियसली आप एक टूर बुक करके ही आ रहे होंगे, तो टूर कंपनी वाले आपको ऑटोमेटिकली सुकूम बीच में ही ठहराएंगे, तो वहाँ पे बेसिकली आपको ज़्यादा इंडियंस मिलेंगे या कपल्स मिलेंगे या फैमिली वाले मिलेंगे, क्योंकि वहीं पर सारे मेन जितने भी मॉल्स हैं और एक दो नाइट मार्केट्स हैं, तो मेन इंडियंस को वही चाहिए शॉपिंग करने के लिए, तो इसलिए वो वहीं पर रुकते हैं। लेकिन अगर आप एक ट्रैवलर हो, सोलो हो मेरी तरह, तो भैया खाउसन रोड आओ, मस्त सीन मिलेंगे यहाँ के। और ट्रैफिक भी देखो यहाँ बैंकॉक का, तो भाई देखो आपको यहाँ पे इस तरह के स्टोर मिल जाएंगे 7-Eleven के नाम से। तो यहाँ पे पता करते हैं कौन सी चीज़ कितने की है, क्या है सब। तो ये देखो मिनट मेड की पल्पी, ये वाला साइज 335 ml का, 18 baht का। इसके अलावा ये कॉफ़ी एंड नेस्कैफे की देख सकते हो 15 baht की, और कोक भी है छोटी वाली 11 baht की। जितने ही प्राइसेस है उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर लेना, बड़ी वाली है 15 baht की। रेड बुल देख सकते हो यहाँ पे 65 baht की है, यानी कि अराउंड 130-140 rupees। और ये गेटोरेट का थाईलैंड वर्जन 25 baht का, अराउंड 60 rupees की। 550 ml वाली कोक 19 baht की, और ये बड़ी वाली कोक है 25 baht की, यानी 60 rupees की बड़ी वाली। ये देखो लेस का बड़े वाला फैमिली पैक है 60 baht का, छोटा उससे है 30-30 baht का। इसके अलावा उससे ये भी 30 baht का पूरा। ये छोटे वाला जो अपने वहाँ पे 10 rupees का, यहाँ है 20 baht, यानी कि 45 rupees का। नहीं, ये वाला है वो छोटा वाला, यहाँ पे 10 baht का है, तो अराउंड वही 25 rupees हो गया, 23-24 rupees। इसके अलावा ये नूडल्स है थाईलैंड वाले, ये सारे कप नूडल्स है, 13 का है कोई, 15 baht का है कोई, कोई 18 baht का भी है। ये देखो पानी की देख लो, 7 baht से शुरू हो जाती है, 7 baht से, और 8 की भी है, 10 की भी है, 12 की भी है, बट ये थोड़ी सी महंगी वाली है 25 baht की, यानी 55-60 rupees की। मैं तो हमेशा ये वाली लेता हूँ छोटी वाली, 7 baht की, यानी कि 15 rupees के आसपास की, 15-16 की। इसके अलावा भाई ये बियर देख लो, मुझे तो पता नहीं कौन सी ब्रांड है, लेकिन ये है 500 ml की 69 baht की। बाकी कोई 95 की भी है, कोई 51 baht की भी है, कोई 52 की भी है, कोई 99 की भी है, 50 की है, ये 48 की है। बाकी ये तो कैन थी, ये बोटल्स वाली है देखो, 56 की, 75, 39, 75, 40 की भी है, 78, 41, 63। ज़्यादातर लोगों को मैंने ये वाली बियर लेते हुए देखा है, जो कि है 45 की, 45 baht कह रहा हूँ, मतलब अराउंड 90 rupees की। और कुछ ज़्यादा ही बड़ी पानी की बोतल चाहिए तो ये 40-40 baht की है। ये कुछ बिस्किट के पैकेट है 10-10 baht, 20-20 baht के, 5 baht का, ये रहा ओरियो की फर्स्ट कॉपी। बाकी ये कुछ पैक्ड फूड है, अगर आप अपने हॉस्टल में किचन में जाके बना लो तो कोई 29 baht का है, कोई 45, कोई 35, अलग अलग रेट है सब। जनरली आपको दे दिया अंदाज़ा, इनका बिल करवाता हूँ मैंने, ये दो चीज़ ली है। हेलो, दिस इज फॉर 15 baht एंड दिस 15, हाउ मच? 15 ओके, वन एंड दिस वन। तो यहाँ पे ये छोटी वाली किटकैट है 15 baht की, बहुत महंगी है। ये बड़ी वाली है 23 baht, यानी 50 rupees की। या आई नो। और ये है स्निकर्स, ये हाउ मच फॉर दिस? 15। तो ये भी 15 baht की है, यानी कि अराउंड 33-34 rupees की। तो भैया अपन तो पीते नहीं है बियर वियर, तो हमने तो वही कॉफ़ी और फ्रूट जूस लिया है। लेकिन मैंने प्राइस इसलिए बता दी क्योंकि मेरी इंडोनेशिया वाली वीडियोस में बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि अनमोल भाई हमें प्राइस बता दिया करो, आप नहीं पीते लेकिन हमें तो आना ना, मतलब हमारे लिए बता दो, इसलिए मैंने सोचा कि बता देता हूँ चलो बियर के प्राइस। बाकी अपना काम तो भाई इन्हीं से ही चल जाता है। खाना खाने जैसी यार नीड नहीं लग रही है, मतलब भूख नहीं है। मैंने मैकडोनल्ड्स में कितने 5 बजे के आसपास तो खाया ही है शायद से, तो अभी बिल्कुल भूख नहीं है। इंडियन फूड यार देखो मिल जाता है आपको, वेजिटेरियन मैंने पत्या वाली वीडियो में दिखाया है, वेजिटेरियन में अगर आप दो लोग हो तो आराम से आपका 400 rupees में हो सकता है, 400 rupees कह रहा हूँ, भात नहीं कह रहा। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो भैया 600 rupees में आपके दो जनों का काम हो जाएगा। तो इंडियन फूड भी सस्ता है, इंडोनेशिया में बहुत महंगा था। और ये चलते चलते मैं कहाँ आ गया हूँ पता नहीं। बाकी यहाँ पे डोमिनोज भी है, शायद से कल ट्राई करूँगा डोमिनोज में, देखेंगे यहाँ के क्या प्राइस है और टेस्ट कैसा है। तो चलो जी, आज का दिन ख़त्म होता है, और जो खाउसन रोड की मार्केट है वो मैं कल वाली वीडियो में कवर करूँगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं आ गया हूँ अपने हॉस्टल के बाहर, हॉस्टल का टूर दे चुका हूँ, कैश करो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड करो, बुकिंग पे कैशबैक कमाओ। और कल मैं बैंकॉक के ग्रैंड पैलेस वगैरह कवर करने वाला हूँ, तो कल की वीडियो मिस मत करना बिल्कुल भी। कल भी मैं मार्केट भी दिखाऊंगा रात को, और रात के 12 बज रहे हैं अभी, मैंने शूट नहीं करा कुछ भी बीच में क्योंकि बाहर बहुत तेज़ म्यूज़िक है भाई, सही सीन है इस रोड पर पूरे। तो कल दिखाऊंगा ये पूरे सीन, आज तो खैर लंबी हो जाएगी इसलिए वीडियो।
तो चलो भैया फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पढ़ना फीका, बाय।